जी जनाब, जैसे आप देख रहे हैं कि तलाशाह का ये मकबरा है और हम आए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ कलोड़ों दौर के जो मकबरे हैं यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ बहुत सारे मकबरे थे, लेकिन हम कुछ 7-8 बचे होंगे, लेकिन वो ये कि हम अपने हेरिटेज को इतनी तवज्जो नहीं देते और हमारा हेरिटेज इसी तरह तबाह हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये एक आपको बोरी नज़र आ रही है, इसमें एक रिवायत है यहाँ पर तलाशाह की कि कहीं से भी जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो इस तरह से बोरी को सजा के देखें। ये कल्चर आपको नज़र आएगा, इस पर सिंध का कल्चर नज़र आएगा। इस खूबसूरती के साथ इन्होंने जैसे एक रैली होती है सिंध की भरत भरते, इसी तरह से ये बना हुआ है और खूबसूरत, और ये जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है फिर ये लेकर आते हैं। जा रहे थे का बोल तोफो करे साईं के मेरे में नगर नगर वाला है ना बा सागर से तकरीबन 33 किलोमीटर जुनूब मशरिक की जानिब कलहोड़ो और तालपुर दौरे हुकूमत के एक कब्रिस्तान में मकबरे और एक बुजुर्ग की दरगाह है, जिसको हजरत तलाशाह खुरासानी जती सती के नाम से पुकारा जाता है। यह दरगाह हैदराबाद सिंध से 90 किलोमीटर है। अपनी गाड़ी में 1 घंटा 50 मिनट में आप ये सफ़र तय कर सकते हैं, और कराची से 244 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ की जानिब है, और अपनी गाड़ी में 3 घंटे और 55 मिनट लगते हैं। तलाशाह की दरगाह और मकबरे 300 साल पुराने हैं। जी जनाब, ये आप देख रहे हैं कि ये कुरान शरीफ है। यहाँ पर कुरान शरीफ एक झूले में डाला गया है। जो लोग मन्नतें लेके आते हैं, आस लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं, तो ये कुरान शरीफ है, इसको झूला झूलाते हैं, और फिर इनकी मन्नत जब पूरी हो जाती है तो फिर ये आते हैं। ये आस लगा के यहाँ पर बैठे होते हैं। सारी रात सुबहान जागी जिन याद कयो, सारी रात सुबहान जागी जिन याद कयो, उन्हीं जी अब्दुल लतीफ अचे मिट्टी लधो मान, कोणे कन सलाम अची आदर होने भी मान की जो मिट्टी होती है उसको भी मान मिलता है, शान मिलती है, इज्जत मिलती है। लोग हज़ारों की तादाद में आकर उनके सलाम करने आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मैं आपको एक थोड़ा सा सेट करा दूँ।
जाम नवाज अली के छोटे से गांव नऊ आबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर जुनूब मगरिब की जानिब ये कब्रिस्तान कल्होड़ा और तालपुर दौरे हुकूमत का है। तलाशा के तारीखी कब्रिस्तान में बेहतरीन नक्श निगारी की गई है। यह नक्श निगार आपको मुगल तर्ज तामीर का नादिर नमूना नजर आते हैं। नक्शो निगार में कैलीग्राफी भी है। अल्होड़ो दौर के मुकबरों पर इश्क दास्तान ससी पुनू के किरदारों की भी तस्वीरें मौजूद हैं। इसके अलावा मछली, फूल, फ्रूट, परिंदे, फलों, पत्तों, ज्योमेट्री के डिजाइन भी मिलते हैं। ये मकबरे बेध्यानी के सबब इंतहाई जबून हाल है, मगर हुकूमत सिंध इनको दोबारा से रेनोवेट कर रही है और काम भी जारी है। मगर इस जगह 90 की दिहाई में सैकड़ों मकबरे मौजूद थे जो जमीन बोस हो गए हैं। पुराने मकबरों में आपको कहीं भी कब्रों के निशान नजर नहीं आते, बस टूटे फूटे मकबरे दीवारों के बड़े बड़े सुराखों से झांकते हुए नजर आते हैं। किसी भी मकबरे के बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता ये मकबरे किन के हैं। किसी पर भी कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आता, मगर ये ज़रूर है कि ये कल्होड़ा और मीर तालपुरों के दौर के बड़े फौजी कमांडर बलोच सरदारों के मकबरे होंगे। अब ये मकबरे अपना असल हुस्न गंवा बैठे हैं, मगर नक्शो निगार आज भी मकबरों के गुंबद और दरो दीवार पर नजर आते हैं। मकामी लोग भी अपने मुर्दे यहाँ दफन करते हैं। तलाशा के कब्रिस्तान के कुछ मकबरे सांगढ़ शहर में हुरों फकीरों के कब्रिस्तान के मकबरों से मिलते जुलते हैं। गुंबद और मीनार एक ही डिजाइन के हैं। ये भी वसूख से नहीं कहा जा सकता कि इस कब्रिस्तान में पहली बार कौन दफन हुआ था। तलाशा की दरगाह भी कब्रिस्तान के मशरक में कुछ फासले पर है, मगर तलाशा के बारे में भी कोई मालूमात नहीं है। मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक वो ईरान से सिंध में तबलीग के लिए आए थे और अपने नाम के साथ खुरासानी लकब है। ये बुजुर्ग कहाँ से आए थे, इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई थी, इंतकाल किस सन में हुआ था, दरगाह या दरगाह के आसपास कहीं भी शुजराए नस्ब या मालूमात नहीं मिलती, मगर रिवायतों को बयान किया जाता है। लोग मोटरसाइकिलों पर और पैदल यहाँ पर मन्नतें मांगने आते हैं। तलाशा का मेला लगता है जिसमें बोरियां रली की तरह सीकर इनमें चावल भरकर लाए जाते हैं। दरगाह के अंदर चार दीवारी में और दरगाह के जुनूब में चार दीवारी के बाहर बहुत सी कब्रें बनी हुई हैं। एक मदरसा, एक मस्जिद, मुसाफिर खाना भी तामीर किया गया है। दरगाह के आसपास सदियां पुराने दरख्त और खाने पीने की दुकानें भी हैं। सड़क टूटी फूटी है। तलाशा के कब्रिस्तान या दरगाह के बारे में मुकम्मल मालूमात दर्ज होती तो आने वाले जायरीन को मालूमात मुयस्सर हो जाती। इन मकबरों की सांगढ़ के मकबरों से बहुत शनासाई है। सांगढ़ के मकबरे जो ज़मीन बोस हो गए हैं और एक तारीख मलिहा मेट हो गई है। हेरिटेज, कोई शऊर, कोई दानिश्वर इसको बचा न सका।
जो हमारे दौर की मुजरमाना गफलत कहलाएगी और आने वाली नस्ल कभी भी माफ नहीं करेगी। तलाश शाह के मकबरों की तरह सांगढ़ के मकबरों में भी बलोच सरदारान दफन थे, जिस पर कोई तहकीक नहीं हुई। अब सांगढ़ में इक्का दुक्का और तलाश शाह में 5 पुराने और 4 मकबरे दोबारा रिनोवेट हुए हैं, जो कुल मिला के तकरीबन 9 मकबरे हैं। मकबरों के अंदर बहुत बड़े गड़े बने हुए हैं, कब्रों के बजाय परिंदों की पीठों के ढेर जमा हैं। मकबरों को टाइल नुमा सुर्ख ईंटों, टाट, चूने और मिट्टी से तैमीर किया गया है। ये मकबरे कलोड़ों और मीरों के वफादारों के बने हुए हैं। मीरों और कलहड़ों हुक्मरान के खानदानों के मकबरे होंगे, ऐसी कोई शाहिदी या सबूत नहीं मिलता। तल्हा शाह के तारीखी मकबरे बड़ी तादाद में गिर चुके हैं।